नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोंडा के टॉप 7 टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गोंडा की, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। और गोंडा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर दूर है और इसके जिले में बहुत सारी नदियां बहती हैं और यहां घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो चलिए जानते हैं गोंडा जिला में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। नंबर 7, आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर, जो गोंडा शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह माँ दुर्गा को समर्पित, जहाँ भक्त दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। और यहीं पर हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है, जिनके दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। और इस मंदिर को नूरामल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना बाबा नूरामल द्वारा किया गया है। और यह मंदिर गोंडा शहर के बीचों बीच मुख्य सड़क पर स्थित है, जहां आप बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर 6, गांधी पार्क, जो गोंडा शहर का मुख्य स्थल है और यहां पर आपको एक सुंदर पार्क देखने के लिए मिलता है, जहां बहुत सारे फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले भी लगाए गए हैं, जिसमें बच्चे लोग बहुत ही मौज मस्ती कर सकते हैं। और इस पार्क के बीच में गांधी जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसे आप देख सकते हैं और घूमने का भी मजा आप यहाँ ले सकते हैं। नंबर 5, रुद्रापुर समय शक्ति पीठ, जो गोंडा जिले में टिकरी वन क्षेत्र में स्थित है, जहाँ चारों तरफ जंगल का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। और इस मंदिर में आदिशक्ति माँ वन देवी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ आकर आपको बहुत शांति एवं सुकून मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे हाथियों व घोड़ों की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। नंबर 4, संतेश्वर महादेव मंदिर, जो गोंडा शहर के कर्नलगंज तहसील में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर नदी का सुंदर घाट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ भगवान शिव जी के शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं, जहाँ पर सावन सोमवार और महाशिवरात्रि के समय इस मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और इस पर्व पर श्रद्धालुओं का यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलता है। नंबर 3, माँ बराही देवी मंदिर, जो गोंडा जिले में उमरी बेगमगंज गांव में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि यह एक शक्ति पीठ है, जहां पर माता सती के दांत गिरे थे। और यहां पर माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा यहां बहुत सारे मंदिर हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। और यहां पर बहुत बड़ा बाजार भी लगता है, जहां आप घूम सकते हैं। और हाँ, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन और प्लेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आपको मिलते हैं। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी, जहां पांडव पूजा किया करते थे। और यह मंदिर गोंडा जिले में खरगुपुर में स्थित है, जहां आप घूमने का भी मजा ले सकते हैं। और पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में सावन सोमवार एवं महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है, जिसमें लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से यहां आते हैं। नंबर 1, झाली धाम, जो गोंडा शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां आपको बहुत से मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसकी डिजाइन देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इसके साथ ही आप यहां पर कामधेनु गौ माता मंदिर भी देख सकते हैं, जहां का वातावरण बहुत ही अच्छा और शांत है। और यहीं पर एक तालाब है, जहां बीच में भगवान शिव शंकर की मूर्ति है, जिनके दर्शन आप यहां कर सकते हैं। और हां, ऐसे और भी जगह
जगह हैं जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं, जैसे कि पार्वती अरंगा पक्षी विहार, दुखहरण नाथ मंदिर और वजीरगंज बारादरी आदि जैसे कई प्रमुख प्लेस हैं जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसी पर एंड करते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।